जहां पर उत्तराखंड सरकार द्वारा महिला होमगार्ड की भर्ती निकाली गई है, जिसमें 10 जिलों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है और इसी के चलते नैनीताल जिले को भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं किए जाने के संबंध में महिला अभ्यर्थियों ने कालाढूंगी तहसील में उप जिला अधिकारी रेखा कोहली के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। वहीं महिला अभ्यर्थियों का कहना है कि विज्ञापन द्वारा उन्होंने मुख्यमंत्री धामी से महिला होमगार्ड की प्रक्रिया में नैनीताल जिले को शामिल किए जाने की मांग की है। कालाढूंगी से मुकेश छिम्बाल की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री जी को उप जिलाधिकारी द्वारा ज्ञापन देने आए हैं होमगार्ड भर्ती संबंध में। हमारी मांग सिर्फ इतनी है, सबसे पहले तो हमारे जिले को होमगार्ड भर्ती से वंचित किया गया है, फिर बाकी जो 10 जिलों में भर्ती आई हुई है उसमें हमें आवेदन करने से भी वंचित किया जा रहा है। हम लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि जिन 10 जिलों में भर्ती आई हुई है हमें उसमें आवेदन करने से वंचित ना किया जाए। बच्चे मेरे पास आए थे ज्ञापन लेके, इनका ये कहना था कि हमारे जो अन्य जनपदों में होमगार्ड्स की भर्ती निकली है और हमारे नैनीताल जनपद में होमगार्ड की भर्ती नहीं आई है। तो मेरे द्वारा इनका ज्ञापन दिया गया है और संबंधित विभाग को भेजा जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है, वहाँ पर उसको प्रेषित किया जाएगा।